विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी नवरात्र मेले के दृष्टिगत मात्र आंचल यात्री निवास में जिला प्रशासन पुलिस की एक महत्वपूर्ण बैठक तैयारियों के लेकर आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी नवरात्रे मेले 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। ये मेला नैना देवी में सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान के अलावा देश व विदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। उपायुक्त बिलासपुर ने पत्रकारों को बताया कि इस बार मेले के दौरान दिव्यांगों तथा बुजुर्गों के लिए घवंडल से मंदिर तक सुगम वाहन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें माता श्री नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेले के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए मेला क्षेत्र का निरीक्षण करना सुनिश्चित बनाएं और बसों तथा अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग ना हो, इसके लिए नियमित चेकिंग की जाए। साथ ही बस स्टैंड से माता के दरबार तक पैदल रास्तों में कम से कम 500 या 150 मीटर की दूरी पर बैरियर स्थापित किए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को रोका जा सके और भगदड़ से भी बचा जा सके। उन्होंने कहा कि माता के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की गतिविधियों तथा अनुष्ठानों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बस अड्डे से मंदिर परिसर तक पैदल चलने वाले रास्ते पर चयनित स्थलों पर स्क्रीन स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान जेब कतरों व अन्य असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की टीम काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पुलिस विभाग के अधिकारी भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रवण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर न्यास महिला व पुरुष होमगार्ड के एक एक कर्मचारी, न्यास के एक पूर्व सैनिक तथा पुलिस विभाग की एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल 5 सदस्यों की टीम सीएचसी घवंडल में रहेगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु के बीमार होने की स्थिति में मरीज के साथ आनंदपुर साहब तक पहुंचा जा सके और रोगी को अस्पताल में दाखिल करवा कर वे वापिस आ जाए। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है और आज इसके लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं, तो जो हमारा टेंपल ट्रस्ट है और जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ आज एक विस्तृत बैठक यहाँ नैना देवी जी परिसर में की गई। और जैसे मुझे बताया गया कि इस मेला में औसतन हर वर्ष 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, तो इस वर्ष भी हम जो हमारे जो व्यवस्था है, जो इंतज़ाम है, इस इतनी संख्या के लिए जो है हम कर रहे हैं। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और समीपवर्ती राज्य, वहाँ से बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आप सबको मालूम है आते हैं। तो व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 सेक्टरों में पूरे इलाके को विभाजित किया जा रहा है और हर सेक्टर में एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक एक जो है पुलिस अफसर जो है इंचार्ज वो नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि 3 सेक्टर्स, सेक्टर 1, 4 और 5 में 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 2-2 पुलिस प्रभारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। हर वर्ष की भांति हमारे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिलासपुर, वो जो है मेलाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और यहीं पर तैनात रहेंगे, और जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बिलासपुर वो मेला पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो SDM श्री नैना देवी जी और DSP जो हमारे स्थानीय DSP, वो सहायक मेला अधिकारी और सहायक पुलिस अधिकारी, मेला पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी जो है निभाएंगे। और करीब 1200 हमारे जो पुलिस और होमगार्ड से जो है जो जवान जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में तैनात रहेंगे। इस वर्ष ये आदेश दिए गए हैं कि जो संबंधित विभाग हैं, जो उनकी टीमें यहाँ डिप्लॉय की जानी है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे होमगार्ड है, चाहे फायर ब्रिगेड से हमारे, कि 2 दिन पहले वो यहाँ रिपोर्ट करें। जैसे 1 तारीख से शुरू होगा तो 29 शाम तक वहाँ पहुँचे, 30 को जो है एक ड्रिल करवाई जाएगी, 31 को जो है पूरी ब्रीफिंग होगी, ताकि जो मेले से 2 दिन पहले ही पूरी व्यवस्था यहाँ पर कायम हो जाए।